वाली खबरों पर। तेलंगाना राज्य के वारंगल शहर के एमआरओ रत्नावीराचार्य के रिटायर्ड होने की खुशी में सभी स्टाफ के लोगों ने मिलकर ऑफिस में गुब्बारे देते हुए और उनके स्थान पर नए तहसीलदार इकबाल साहब का स्वागत किया। रत्नावीराचार्य एमआरओ के पद पर रत्नावीराचार्य के स्थान पर इकबाल साहब की नियुक्ति हुई। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए गोवर्धन उपाध्याय की रिपोर्ट। వరంగల్ మండలంలో స్టార్ట్ అయ్యే సర్వీసు राजस्थान के समदड़ी क्षेत्र में गांव व बाजार पूर्ण रूप से बंद हैं। प्रशासन पुलिस के सख्त रवैये पर लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं पुलिस या आरएसी के जवानों ने हल्का बल्का प्रयोग किया है। ग्राम पंचायत समदड़ी में विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर का स्प्रे किया गया। क्षेत्र के लोग बहुत ज़रूरी सामान खरीदने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग कर लोगों को पूर्ण रूप से रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बाड़मेर जिले में एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केस नहीं मिला। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। बिना अनुमति जिले के बाहर जाने के लिए पूर्ण रूप से रोक है। तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट राकेश जैन ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार तहसील के सभी अस्पतालों का जायजा लिया गया और लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी गई है। बिना काम घरों से बाहर निकले तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शैतान सिंह की रिपोर्ट। पुलिस की टीमें घूम रही है, प्रशासन की टीमें घूम रही है और जो भी बिना फालतू घर से बाहर निकलता हुआ उठाया गया अब उसके खिलाफ कलेक्टर साहब के और सरकार के आदेश है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। देखा।